मेरा जो मानना है इसमें तेज प्रताप जी कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो भी अपने उसूल के अनुकूल ठीक ही बता रहे हैं कि न्यायालय जाऊंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पार्टी से बर्खास्त करने के पहले, हटाने के पद से पहले उसको नोटिस किया जाता है, तो नोटिस तो इन्होंने किया ही नहीं और डायरेक्ट अपने पावर का यूटिलाइज करके उनको हटा दिया छात्र वाले अध्यक्ष। इनका जो कहना है तेज प्रताप जी का, यह कहीं ना कहीं सही है और उनके अध्यक्ष महोदय की जो बेइज्जती है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, पहले भी कई बार वो बर्दाश्त किए हैं, इस बार भी शायद उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा आज, बर्दाश्त करके ही वो अध्यक्ष पद पर बने रहे। अगर उनको थोड़ा भी गरिमा होता अपने ये का तो वो ज़रूर इस्तीफा दे देते। और जहाँ तक बात है पार्टी का, तो पार्टी तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं ये जो दावा करते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग को और निचला वर्ग को ऊपर उठाने की बात करते हैं या जातीय जनगणना की बात करते हैं, ये शायद छलावा। कारण है कि दोनों को देखिए, आगड़ी जाति से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए, क्या पिछड़ी जाति में नहीं है लोग हैं? बनाना चाहिए लेकिन नहीं बनाते हैं, बराबर उसको ठगते हैं पिछड़ी जाति को, निचले तबके के लोगों को, मेरा ऐसा मानना। आपने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि 7 दिनों के अंदर जगदानंद सिंह इस्तीफा दे देंगे, वो तो हुआ नहीं फिलहाल। अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, अभी तो प्रारंभ का स्टेज है। जिस तरह से तेज प्रताप जी बयान दे रहे हैं उस तरह से एकदम पूरा है कि उनको पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि इसमें लालू जी का भी अहम रोल है, बिना उनके रोल का ये सब नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं उसमें, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। तेज प्रताप जी जिद्दी प्रवृत्ति के रहे हैं तो उनका कहना है